क्या लगता है सर, आप भी यहीं रहते हैं? नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। और हालांकि वो बच्चे ना ही घर से निकल रहे हैं, ना किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस गांव में देखेंगे अब सन्नाटा है। तीक अहमद के दोनों बच्चे जो बाल सुधार ग्राम में बंद थे, उनको अब छोड़ा गया, वो इसी हटवा के गाँव में हैं। और इसी गाँव में आप देखेंगे चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का ये गाँव जिस पे आप देखेंगे हटवा लिखा है, ये बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद ये गांव बहुत हाईलाइटेड था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था शाहिस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी इसी गांव में छुपी हो सकती हैं, लिहाजा आए दिन छापेमारी होती थी इस गांव में। पुलिस की बूटों की चाल इसी गांव की सड़कों पर सुनाई देता था, लेकिन ना ही शाहिस्ता मिली, ना ही अशरफ की पत्नी मिली। लेकिन अब ये गाँव फिर से हाईलाइटेड है, क्योंकि इस गाँव में ही बाहुबली अतीक अहमद यानी मरहूम अतीक अहमद के दोनों बच्चे जो बाल सुधार ग्राम में बंद थे, उनको अब छोड़ा गया, वो इसी हटवा के गांव में हैं। और इसी गांव में आप देखेंगे चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को ये लगता है कि उस पर बात करना मुमकिन नहीं, लेकिन आज भी इस गाँव में देखेंगे पूरी तरीके से सन्नाटा है। और अतीक अहमद के जो नाबालिग जो अब बालिग हो गए हैं, जो बाल सुधार ग्राम में थे, वो इसी गांव में ही दोनों बच्चे हैं, परिवार के पास हैं। और हालांकि वो बच्चे ना ही घर से निकल रहे हैं, ना किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस गांव में देखेंगे अब सन्नाटा है। गांव वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ गांव वाले हैं जो थोड़ा बहुत कहते हैं, उसके बाद भी इनका कहना है कि हम इस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन बच्चे हैं। क्या भैया इसी गांव में रहते हैं आप? जी जी इसी गांव। अतीक अहमद जी के दोनों बच्चे जो बाल सुधार ग्राम से छूटे हैं, इसी गांव में हैं? जी जी। क्या आते जाते आपने देखा कभी कुछ? नहीं, कभी देखा तो नहीं है। भैया रहते हैं अंदर, अपना कमरे में रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से? जी जी। उनके घर पुलिस भी लगाई? दो पुलिस वाले उनको जो ग्रांड मिले हैं वो उनके साथ में रहते हैं। मतलब दो पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। आप भी इसी गांव में रहते हैं भाई? अच्छा अच्छा, आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी भाई। अतीक भाई के दोनों लड़के यहां पर अभी इस वक्त सुरक्षित हैं, कहा जा रहा है कि सुरक्षा जी, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हम सुबह जाते हैं 4 बजे भोर में मटर बेचने, सब्जी बेचने, हाँ, और अभी यहाँ हैं, फुल्की खा रहे। फुल्की खाना हो तो आप भी खा लीजिए। देखिए दृष्टिकोण के हिसाब से ये कोई गांव में बोलता नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अच्छे। क्या लगता है सर, आप भी यहीं रहते हैं? नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, कुछ नहीं। पुलिस वाले तेरे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? मतलब अभी लड़के हैं लेकिन सुरक्षा? हाँ सुरक्षा है। मतलब आप समझिए यहाँ गाँव के लोग हैं, इसी गाँव में अतीक अहमद के दोनों बच्चे रखे गए हैं बाल सुधार गृह से छूटने के बाद। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके पास पुलिस लगाया गया है। परिवार वालों को ये लगता है कि उनके बच्चे यहीं सुरक्षित है, करैली के बजाय यहीं रखे गए। आप देखिएगा ये हटवा गांव है, इसी गांव में जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तो शाहिस्ता प्रवीण और अशरफ की पत्नी के लिए आए दिन छापेमारी होती थी, हालांकि वो लोग यहां नहीं मिले। अब भी पुलिस जो का जो इनपुट है, उनको ये लगता है कि अपने दो नाबालिग बेटों से मिलने के लिए, जो एक बालिग हो गए एक नाबालिग हो गए, बालिग हो गए हैं, अब उन्हीं से मिलने के लिए शाहिस्ता आ सकती है। लिहाजा पुलिस ने लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट पे रखा हुआ है। कछारी इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिस को रखा गया है, डिप्लॉयड किया गया है। और अगर शाहिस्ता मिलने आती तो उनको पकड़ने की कवायद भी करने की बात कह रही हैं, ऐसे इनपुट्स मिले हैं। लिहाजा पुलिस इसको पूरी छावनी में तब्दील कर रखा है। हालांकि पुलिस सामने तो नहीं नज़र आती, लेकिन सिविल ड्रेस में कहा जाता है इसी हटवा गांव में पुलिस अभी भी है, क्योंकि अतीक अहमद के दोनों लड़के जब अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उन दोनों लड़के जो 4 लड़के थे, एक तो इनका बेटा जो अली है वो नैनी सेंट्रल जेल में है, उमर लखनऊ के जेल में है, और दो जो नाबालिग बेचे थे जिनमें से एक बालिग हो गए और एक अभी नाबालिग है, वो प्रयागराज के राजरूपपुर के बाल सुधार ग्राम में रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों बेटों को छोड़ा गया और इसी गांव में रखा गया है। वो सरिच्ची हालांकि वो बच्चे किसी से मिलते नहीं हैं, ना ही किसी से कोई मुलाकात कर रहे हैं। गाँव वाले भी इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से नानुकुर कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, बस इतना कह रहे हैं कि हाँ वो है, लेकिन हम लोग इसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन आपको बता दें ये वही गांव है, हटवा गांव है, जो अशरफ की पत्नी का घर भी है यहाँ। और ऐसा कहा जाता था अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद शाहिस्ता परवीन इसी गांव में छुपी हो सकती थी, लिहाजा पुलिस आए दिन छापेमारी भी करती थी, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं मिला। लेकिन अब अतीक अहमद के दोनों बेटे जो बाल सुधार गृह से छूटे हैं वो इसी गांव में रखे गए हैं, और उनके लिए सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। हालांकि गांव वाले इस बारे में कुछ बोलने से नानुकुर कर रहे हैं।
आनंदराज यूपी तक प्रयागराज।